2022 चुनाव को लेकर भाजपा हर वर्ग और हर व्यक्ति को ध्यान में रखकर के अपनी रणनीति पर काम कर रही है, जिसको लेकर आज भाजपा का प्रयागराज में महिलाओं को लेकर बड़ा कार्यक्रम होना है, जिसे महिला महाकुंभ कहा जा रहा है। आज पीएम मोदी महिलाओं के लिए विशेष तौर पर किए जा रहे सम्मेलन को संबोधित करने प्रयागराज पहुंचेंगे। महिला महाकुंभ को सफल बनाने के लिए पूरे प्रदेश से महिलाओं को बुलाया गया है और दावा ये किया जा रहा है कि आज प्रयागराज में होने वाले महिला सम्मेलन में करीब 2 से 2.5 लाख महिलाएं पहुंचेंगी। इस महिला महाकुंभ में भाजपा की सभी महिला सांसद शामिल होंगी। महिलाओं को ध्यान में रख करके इस आयोजन की भव्य तैयारियां वहां पर की गई है। इस आयोजन को भाजपा ने मातृशक्ति महाकुंभ का नाम दिया है। महिलाओं से सीधे संवाद में पीएम उन्हें स्वरोजगार और आत्मनिर्भर बनने का गुरु मंत्र देने के साथ ही 1 लाख स्वयं सहायता समूहों के खाते में 10 अरब रुपए भी ट्रांसफर करने वाले हैं। ये 5 तस्वीरें भी आपको दिखाने, देखे महिलाओं का महाकुंभ यहाँ पर लगने जा रहा है। चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है, सुरक्षा कर्मी लगातार मुस्तैद है और ठहरने की व्यवस्था, जो महिलाएं पहले वहां पर पहुंच चुकी है कल, उनके लिए व्यवस्था पूरी की गई और उसके साथ ही कोरोना टेस्टिंग के बाद ही एंट्री हो रही है। ये बहुत जरूरी है कि कोविड प्रोटोकॉल की पालना की जाए और साथ ही साथ आधी आबादी का भव्य स्वागत यहाँ पर होगा। अब क्या इन तस्वीरों के जरिए जो आधी आबादी है वो बीजेपी के साथ जाती हुई दिखाई दे रही है, इसलिए कोशिश की जा रही है ताकि महिलाएं बीजेपी के साथ खड़ी रहें। चुनाव नजदीक है, ऐसे में बहुत बड़ा फैक्टर महिलाओं का हो जाता है। कहा यह जाता है कि जो कुल वोटर्स हैं उत्तर प्रदेश में, उनमें 45% महिला वोटर हैं। अब वो किसके पास जाएंगे, इस पर नजर रहेगी।